भैया ओके ओके सभी क्या देख एक बार मैं कर लूं आगे बढ़ लूं रिप्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल मेल और फीमेल के बीच में कॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस होती है रिप्रोडक्शन कहलाता है ठीक है या यूं कहो एक शब्द जो मैंने से आगे पढ़ा है कि प्रजनन करना ही प्रोडक्शन कहलाता है अपने जैसी स्पीशीज को पैदा करना ही प्रोडक्शन कहलाता है सीधे एक शब्द में ओके तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं देखो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जितने भी जीव हैं ठीक है तो इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सब का सब ऑर्गेनिज्म अपने ही सेम टाइप की प्रजाति को पैदा करते हैं और पब्लिक को बढ़ाते हैं ये पूरी प्रोसेस कहलाती है प्रजनन बोलो तो रिप्रोडक्शन बात समझ आई ना चलिए रिप्रोडक्शन में एक बात बहुत प्यारी बात बताऊं सुन लीजिए थोड़ा सा कुछ टाइम देके बताइए मुझे कितना टाइम है 4 बजे में भी 7 मिनट बाकी सात अभी आपके पास 1 घंटा है एक घंटा चलो मैं आप बहुत तकलीफ हो रही है सुनते हैं 2 घंटे तक तो मजा आता देखिए अभी खर्च कर देंगे ना 5 घंटा ना हम ऐसे कर लेंगे हम ऐसे कर लेंगे कि जब आएंगे तभी उसे सारे बात हो जाएगी सारे बात करें तो भाई इस बात के लिए क्या बात होगी बैठाइए हमारी पहली क्लास है तो उस बेस का हमारी पहली क्लास रहेगी हम तुम लाके साथ तक खींचेंगे तो सारे बात रहेगा भाई देखिए भैया ये बात हमें क्या लगना कि जो रिप्रोडक्शन होता है देखिए बहुत ही प्यारी चीज बताने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन के अंदर की बात ठीक है और इसके बाद बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट दूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है और नॉलेज आपको होना चाहिए देखिए ये बेबी रिप्रोडक्शन आज बात जिंदगी ये मत कभी कहना
किसी को भी देखेगा अड़ोस पड़ोस किसी भी देश किसी भी प्रदेश में चले जाना बात सुनिए।
एक्टिव है, नहीं कंट्रोल हो रहा तो चले जाओ, कर डालूंगा जो करना हो, लेकिन उसको आप सोच मत करो कि हाय मैं क्या कर डाला, मैं मुंह खाने बैठ के रहा अभी यार कहा गए थे नहीं मुंह खाने। तो जो भी गलत काम हो गया हो आपसे उसको भूल जाओ और आगे के सोचो। पहली बात गलत करो नहीं, करो तो सीधे भूल जाओ, मेंटल दिमाग में अपना प्रेशर ना बढ़ाया करो, ठीक है सोचो। हाँ जैसे कुछ लड़के मतलब अपना हाथ से गाना कर लेते हैं सोचते हैं की वजह से हमारी आवाज निकलती है, लैरिंग्स की वजह से हमारे शब्द निकलते हैं।
निकाले है शब्द वो ये है, जो आवाज निकली का शब्द वो ये है, लेकिन कुछ चिड़ियों में सिरिंज पाई जाती है अपने गले में, सिरिंज खाली चीज समझ बात, कुछ चिड़ियों में सिरिंज पाए, कुछ नहीं ज्यादातर चिड़ियों में सिरिंज पाई जाती है बोलने के लिए, लेकिन वो बेचारे आवाज नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसे मतलब बर्ड्स होते हैं जिन जो इसको डेवलप कर लेते हैं, तो फैरिंग्स नेचुरली थोड़ी बहुत नहीं, लेकिन वो लोगों के बीच में आके इसको डेवलप कर लेते हैं, इसके आगे वो बन जाते हैं लोगों के बीच में, ठीक है पढ़ जाते हैं, तो सेरिंग्स और इसके फैरिंग्स के माध्यम से बढ़िया बोली कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, ठीक है ये कारण, अगर हो गए चक्कर तो पढ़ाया जाए, ठीक है बात समझ आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि दिस सेंटेंस इज द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा जो होता है वो हम जब प्लेसेंटा इज द पार्ट ऑफ फैमिली कह सकते, प्लेसेंटा इज द पार्ट ऑफ ब्रेन नहीं कह सकते, इसका रीजन यही तो कितना है, दोनों का मतलब रोल होता है, अब देखिए प्लेसेंटा की बात कर लेते हैं, पार्ट तो सब फैमिली का होगा ना, प्लेसेंटा फैमिली में ही, दिस इज द बेबी, बेबी का ये जो नाभि होता है यहां से पहले बात बेबी जीरो कंडीशन होता है, मेरे पास टाइम नहीं है सब भी ले लो कौन पढ़ा देते, देखिए जब स्पर्म जस्ट स्पर्म और एग ए डब्ल्यू ई डब्ल्यू ठीक है दोनों कंबाइनेशन करते हैं ना, तो जब ये यूट्रस होता है, यूट्रस है सब ये यूट्रस है ठीक है, यूट्रस फीमेल का ये यूट्रस कौन भैया यूट्रस, यूट्रस में जब दोनों कंबाइनेशन करके पहुंच जाते हैं ना, तो यहां जब तक किस स्टेज में पाए जाते लिक्विड फॉर्म पाए जाते पानी जैसे पड़ा रहता है, पानी जैसे पड़ा रहता है, कुछ दिन बाद पानी सूखता है उसी स्टेज आती है ऐसे, तीसरी स्टेज आती है ऐसे, मम्मी जो होती है मम्मी का जो यूट्रस है, मदर का जो यूट्रस है, मदर की यूट्रस के जिस साइड इधर देखो यार जिस साइड मम्मी के यूट्रस में बेबी का वो होता है फेस होता है उसी साइड से एपिथेलियल टिश्यू जन्म लेती है और दोनों आपस में उधर से इधर से एक समय आकर मिल जाते हैं, बात समझ आ गई, ये होता है, हाँ कुछ लोग कहते हैं कि सारे उल्टा पैदा हो जाएगा, उनको हम बता दें कि बेटा इस दुनिया हर प्राणी उल्टा ही पैदा हो जाए इंसान की अगर बात किया जाए, ठीक है तो देखिए हमेशा इंसानों की अगर बात करें तो इंसान खोपड़ी पर ही पैदा होता है, ठीक है उल्टा सीधा पैरों पर नहीं निकलता, तो ऐसा ही वाला कोई डाला मारे तो बारिश पड़ चुकी हो समझा देंगे, ठीक है जानवर से दो ब्रांच होती है बीबी पेरस का मतलब होता है कि डायरेक्ट बच्चे पैदा करना और ओबी पेरस का मतलब होता है कि अंडा से बच्चा निकलना, तुम बीबी पेरस को क्या पैसे देता हो, हम सब लोग बीबी पेरेंस खड़े के मैं को भी पेरेंस को भी पेरेंस हम को भी पेरेंस ना हैं, अगर को भी पेरेंस ना बताए बीबी पेरेंस हम अंडर से निकल के आए हैं, हम डायरेक्ट पैदा होकर आए हैं अंडर को बोर्ड पे तो ना निकले ये सारे हाँ सही सर लगाई सुनो कमाई को क्या बोलते हैं दोनों के कमाई को अगर कमाई बात तो आप पुलिस को